फैंटास्टिक गेमर के एक न्यू वीडियो में। तो गाइस यार इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे अपडेट एंड लीक्स जो गाइस यार हमारे फ्री फायर में बहुत जल्द आने वाले हैं। और ये लीक्स गाइस यार मैं जो लीक्स देता हूँ गाइस सिर्फ लीक्स होती है, इन्हें रियल मत मानना गाइस। बट हाँ, पर 90% चांसेस रहते हैं गाइस यार लीक्स आने के। और गाइस यार लीक्स बहुत सारी निकल के आ रही है फ्री फायर में गाइस न्यू इवेंट्स लेकर। तो गाइस इस वीडियो को पूरी तरह से देखना क्योंकि गाइस इस वीडियो में बहुत कुछ लाया हूँ आपके लिए। और न्यू टॉपअप इवेंट भी बहुत सारे आने वाले हैं फ्री फायर में। कौन कौन से आने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ न्यू पेट, कुछ न्यू स्किन्स और हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ न्यू इवेंट्स के बारे में। तो गाइस यार वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो जो भी चैनल पर नया आया है सबसे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं करना तो जाकर लाइक कर दो। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। तो गाइस यार सबसे पहला अपडेट तो निकल के आता है ग्लू वॉल की स्किन को लेकर गाइस यार। हाँ गाइस यार देख सकते हो ग्लू वॉल की स्किन। गाइस यार ये ग्लू वॉल की स्किन लीक में निकल कर आई है 500 जेम टॉप अप करने पे। ये जो लावा की स्किन या मैग्मा की स्किन ग्लू वॉल की देख सकते हो गाइस यार 1 डायमंड टॉप अप करने पे आपको मिलेगा एक क्रेट जिसमें आप बंडल्स निकल सकते हैं। और गाइस 500 डायमंड टॉप अप करने पे आपको ये ग्रेनेड की स्किन मिल सकती है गाइस यार। तो गाइस यार आप कैसी लगी ग्लू वॉल की स्किन गाइस यार कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये हमारे इंडियन सर्वर में आएगी तो आप इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस यार हमारा जो अगला इवेंट निकल कर आता है वो है जो समर इवेंट है गाइस यार। उसके अकॉर्डिंग समर इवेंट में देख सकते हो गाइस यार आपको क्या मिलने वाला है। ये जो हमारा एलिमेंटल स्किन का जो इवेंट है मतलब एलिमेंटल इवेंट है गाइस यार ये भी समर इवेंट में निकल कर आया है। तो इस इवेंट में आपको ये बंडल और साथ ही साथ में आपको गाइस यार ये पेन की स्किन और ये बैकपैक निकल कर आया है गाइस यार लीक में। आपको ये बैकपैक कैसा लगा गाइस यार मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये बैकपैक की पिक देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस बैकपैक की भी फोटो दिखा दूंगा कि कैसे होने वाला है। और गाइस यार अगर आपको नहीं पता है तो ये गाइस यार बैकपैक हमारा बहुत पुराना है जो कि निकल बहुत पहले ही आ गया था। ये एलिमेंटल स्किन जो कि आपको रैम्पेज का इवेंट याद हो, रैम्पेज के इवेंट के जस्ट बाद ही ये हमें दिए गए थे एलिमेंटल्स की जो पूरी आर्मी है एलिमेंटल्स की दी गई थी। तो गाइस यार किस किस के पास ये बैकपैक पहले से ही है मुझे कमेंट में जरूर बताना, किस किस के पास नहीं है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस यार हमारा जो अगला अपडेट निकल कर आता है वो है गाइस यार स्टोर सेक्शन में अवेलेबल होने वाला न्यू बैकपैक। तो गाइस यार हाँ आप देख सकते हो किस किस को ये बैकपैक पता है कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर नहीं पता तो गाइस यार मैं बताता हूँ, ये बैकपैक आप देख सकते हो सीजन 1 के एलाइट पास का बैकपैक है। जी हाँ गाइस यार सीजन 1 के एलाइट पास का बैकपैक जो कि ये सर्वर में जो कि हमें अपडेट्स में दिखाया जा रहा है गाइस ये बहुत जल्द स्टोर में अवेलेबल होने वाला है ऐसा लीक्स में बताया जा रहा है। बट मुझे नहीं लगता है लीक्स सही है क्योंकि गाइस यार सीजन 1 इतना रेयर एलाइट पास है जो कि उसका बैकपैक हमें स्टोर सेक्शन में दे के रखा है। गाइस यार शायद ही हमें सीजन 1 का एलाइट पास का बैकपैक देखने को मिले। हाँ बट जो आपको उसके ऊपर जो आपको कोने पर दिखाई दे रहा है उसका लूट बॉक्स, तो गाइस यार लूट बॉक्स शायद हमारे सर्वर पर आ सके या नहीं आ सके मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। बट हाँ लूट बॉक्स के चांसेस है बट बैकपैक के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो गाइस यार हमारा अपडेट जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है वो है ओटेरो की स्किन को लेकर गाइस। जो हमारा ओटेरो पेट है सभी को पता है गाइस ओटेरो पेट क्या करता है, तो क्या करता उसके बारे में छोड़ो। जो न्यू स्किन निकल कर आई है गाइस यार 500 डायमंड टॉप अप करने पर आ रही है हमारे न्यू स्किन जो स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस यार बहुत ही तगड़ी स्किन है गाइस यार पर बहुत ही सही लगी गाइस यार मुझे मतलब डीजे वाली फीलिंग दे रहा है एकदम ओटेरो। तो गाइस यार किस किस को ये स्किन अच्छी लगी किस किस को नहीं लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस यार बढ़ता हूँ मैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, आता है वो है डेजर्ट ईगल की नई स्किन को लेकर गाइस यार। देख सकते हो गाइस यार डेजर्ट ईगल की ये स्किन लीक में निकल कर आई है जो कि गाइस यार गोल्डन कलर की है। बट इस स्किन में ये नहीं दिखाया गया कि गाइस यार एट्रीब्यूट है या नहीं है। तो गाइस
मेरे ख्याल से शायद ही इसे इसमें एट्रीब्यूट्स डालें या नहीं डालें पता नहीं, बट हाँ ये स्किन निकल के आ रही है जो हमारे लीक्स में है, और किस किस को ये स्किन अच्छी लगी नहीं लगी। अगर गाइज यार हमें वैसे ही यार गाइज बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है स्किन्स को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताना आप इसमें एट्रीब्यूट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो किस किस को ये स्किन साथ में अच्छी लगी वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आता है गाइज, हमारे जो P90 गन की स्किन है गाइज, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये P90 गन की स्किन और XM8 की गन स्किन जो कि हमारे वेपन रॉयल में आ चुकी है, तो ये क्रेट के फॉर्म में जल्दी ही हमारे सर्वर पे अवेलेबल होने वाली है। तो गाइस किस किस को ये बात बहुत अच्छी लगी, किस किस को बात अच्छी नहीं लगी, किस किस के पास P90 परमानेंट है मुझे जरूर बताना, मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस, क्योंकि बहुत ही कम स्पिन में मुझे भी ये खुल गई थी और ये अब तक की बेस्ट स्किन्स में से एक है P90, क्योंकि गाइस यार इसमें डैमेज और डबल रेट ऑफ फायर है और माइनस शायद रेंज है गाइस यार, पता नहीं मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, बट हाँ है, बट ये अब तक की सबसे बेस्ट P90 स्किन्स में से एक स्किन है। गाइस यार आज के अपडेट में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं फिर से बता रहा हूँ जिसने, तो गाइस यार जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जाकर सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि आपका भाई यार ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। टिल देन नेक्स्ट डे, बाय बाय, मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।